हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज के स्टूडियो में बात करने वाले हैं बिहार बीपीएससी टीचर वैकेंसी 2023 के बारे में। फ्रेंड, जैसा कि आपको मालूम होगा, बिहार में टीचर की बम्पर भर्ती आई हुई है, जिसका आवेदन स्टार्ट हो चुका है, जिसमें 1,70,000 से अधिक सीट आपको देखने को मिल जाएंगी। देखिए, इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, कैसे घर बैठे आप अपने मोबाइल से या फिर लैपटॉप किसी से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। वीडियो अपलोड करने के बाद मेरे पास बहुत सारे ऐसे कोचर कमेंट देखने को मिले कि सर, हम बिहार से नहीं हैं, हम उत्तर प्रदेश से, हम झारखंड से, हम राजस्थान से हैं, तो क्या हम इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो कि बता रहे हैं कि इस तरीके से अगर आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो कर सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। अगर आप कर पाते हैं तो फिर आपको आवेदन कैसे करना होगा, A to Z जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। इससे पहले आप सभी क्वेश्चन के लिए मैं एक अच्छी बुक रिकमेंड करता हूँ, जो कि आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल हो सकती है। बात करने वाले हैं बिहार प्राथमिक विद्यालय शिक्षक बहाली 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चस्सू प्रकाशन द्वारा पब्लिश की गई है। और देख सकते हैं, ये बुक आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों हो सकती है, क्योंकि ये जो संपूर्ण गाइड बुक है और जो आपका पाठ्यक्रम है, जो आपका सिलेबस है, पूर्णता उसी को देखते हुए इस बुक को तैयार किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, जो आपका एग्जाम पैटर्न है, जो सिलेबस है, उसी के अनुसार इस बुक को तैयार किया गया है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा इसका विवरण दिया गया है, कौन कौन सब्जेक्ट से, कौन कौन टॉपिक है। यहाँ पर देख सकते हैं इम्पोर्टेंट, यहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी आपको देखने को मिल जाएगा और संपूर्ण गाइड बुक है। तो बिल्कुल आप इस बुक को बाय कीजिए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इस पेज को प्रिंट कर लेना होगा, ठीक है, स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पर देखिए अप्लाई ऑनलाइन का लिंक यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सिंपली मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से नेक्स्ट पेज खुल कर आएगा, जो कि आपको रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है उसका यहाँ पर देखिए पेज ओपन हो गया है। और यहाँ पर देखिए ऊपर मेंशन किया गया है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। इसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, हम लोग सिंपली बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से कि आखिरकार जो बिहार के कैंडिडेट नहीं हैं, यानी कि बिहार के अलावा अदर स्टेट वाले कैंडिडेट हैं, वो कैसे आवेदन करें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उसके रिगार्डिंग आपको जानकारी मेंशन की गई है। सबसे पहले पूछा गया, आर यू ए सिटीजन ऑफ इंडिया, क्या आप भारत के निवासी हैं या फिर नहीं हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे ये आपको करना होगा, क्योंकि यहाँ पे भारत के नागरिक इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पे नीचे दिया गया है, ये समझना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि यहाँ पर देखिए साफ तौर पर मेंशन किया गया है। यहाँ पर मैं आपको हाईलाइट करके दिखा दूँ, आर यू परमानेंट रेजिडेंट ओरिजिन ऑफ स्टेट ऑफ बिहार, इसका मतलब यह है कि क्या आप बिहार के अस्थायी निवासी हैं या फिर नहीं है, ठीक है। जैसे कि अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप आसानी से अपना निवास यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डालिए, इशू डेट डालिए और यहाँ पे उस निवास को अपलोड कर दीजिए। लेकिन हम जैसे ही यहाँ पर नो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से देखिए एक जानकारी मेंशन की गई है, यू आर नॉट परमानेंट रेजिडेंट ऑफ बिहार स्टेट, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट। इसका साफ तौर पर यही कहना है कि देखिए आप जो है बिहार के निवासी नहीं है, अस्थायी निवासी नहीं है, इसलिए आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए एक बात साफ तौर पर निकल कर आ रहा है कि जो बिहार के निवासी हैं, जो बिहार के अस्थायी निवासी हैं, वही कैंड इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और जो फॉर्म फिलअप करने वाला वीडियो था, मैंने उस वीडियो में बताया भी था कि देखिए अगर आप बिहार के निवासी नहीं हैं तो फिर आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो कि बता रहे हैं कि हाँ आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे टीचरों और ऐसे यूट्यूबरों के चक्कर में ना पड़े, ठीक है। देखिए इस फॉर्म को वही कैंड आवेदन कर पाएंगे जो कैंड बिहार के अस्थायी निवासी हैं, जो कि यहाँ पे साफ तौर पर मेंशन किया गया है, ठीक है। तो देखिए इंपॉर्टेंट जानकारी देना था, जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया। फिर भी आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेश्चन होते हैं, कोई भी डाउट होते हैं, तो वीडियो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।